नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर लेंगे एक मूवी के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। अब OTT प्लेटफॉर्म पे जब भी मूवी निकलती है तभी कुछ ज्यादातर मूवी में कुछ ना कुछ विवाद रहता ही है। वो चाहे मिर्जापुर से देख लीजिए, उसके बाद एक मूवी आई थी शिव जी के ऊपर, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, त्रिशूल है शायद, त्रिशूल था उसका नाम, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा है। अभी एक मूवी आ रही है जो 30 जनवरी को रिलीज होगी, उसका नाम है वाई आई किल गांधी। हम सबको पता है कि गांधी जी को किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। अब नाथूराम गोडसे बोला तो जाता है कि RSS के कार सेवक थे, लेकिन RSS इस बात को कभी भी नहीं मानी है, मतलब उनके ऑफिशियल कभी भी इस चीज को नहीं माने हैं कि RSS के वो बंदे थे। इवन वो अपने मुंह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं कि RSS में मैं रह चुका हूं। लेकिन कुछ लोग जो हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं वो बोलते हैं कि RSS का ही बंदा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब ये OTT प्लेटफॉर्म में लाइमलाइट बोलकर एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे ये लॉन्च होने वाला है ये मूवी। और ये मूवी पिटीशन फाइल किया गया है किसके द्वारा, मिस्टर सिकंदर बैल जी जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट में वो किए हैं, इसको पिटीशन दायर किए हैं थ्रू एडवोकेट अनुज भंडारी। अनुज भंडारी इनके एडवोकेट है, जो जिनके थ्रू से, मतलब देखिए अब ये लीगल काम करने के लिए तो एक एडवोकेट चाहिए रहता है ना। हम जैसे एडवोकेट हम लोग दायर करते हैं, जैसे आप मेरे पास आएंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, आप अकेले कोर्ट में नहीं जा सकते, तो ये सीधा फंडा है। तो उसी हिसाब से अनुज भंडारी इस केस को लीड करने वाले हैं। जब आगे क्या होगा, ये कुछ दिन के अंदर ही इसका हियरिंग होने वाला है, रीजन ये, उसका भी मैं अपडेट दूंगा, क्योंकि 30 जनवरी को ही तो इसका लॉन्च है मूवी का। अब उतने उस इसी दौरान में बहुत कम समय बचा हुआ है, मतलब और 2 दिन बचा हुआ है, 28 29, 27 तो आज हो गया, कोर्ट बंद है। तो अब इस 2 दिन के अंदर अगर हियरिंग होता है तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और बाद में भी होगा तो भी होगा, क्योंकि 30 जनवरी को इसका रिलीजिंग डेट रखा गया है इस मूवी का। अब 30 जनवरी को हम सबको पता है कि महात्मा गांधी जी का डेथ एनिवर्सरी था। अब इमेज मन इस प्लेटफॉर्म में मतलब दिखाने की, मतलब जो अनुज भंडारी जी जो हैं वो इस किस नाम, मतलब केस को किस दिशा में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये बापू का नाम खराब करेगा, मतलब हमारे नेशन ऑफ द फादर का नाम खराब करेगा। कैसे खराब करेगा, उनकी इमेज को खराब करेगा, पाकिस्तान क्यों डिवाइड हुआ, किस तरह से इसमें गांधी जी का हाथ था, उस चीज को लाया जाएगा, इवन भगत सिंह के डेथ को भी लाया जाएगा, इवन उस समय के लड़ाकू जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी उनके बारे में भी, माने उनके तरफ भी उसको घुमाया जाएगा कि नेताजी क्यों कांग्रेस छोड़ दिया और अपना एक नया पार्टी बनाया, क्यों गांधी की वजह से कांग्रेस छोड़ना पड़ा। क्योंकि देखिए गांधी जी में और नेताजी में, माने गांधी जी अपने एक बड़े बेटे की तरह नेताजी को मानते थे, सुभाष सुभाष वो कहते थे, डायरेक्ट सुभाष कहते थे। अब उनका ये कहना था कि अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अहिंसा से ही आजादी मिलेगी। ये देख लीजिए NTPC और RRB का, देखिए जब तक बच्चे रास्ते में नहीं आ रहे थे तब तक प्रधानमंत्री के कान में आवाज नहीं जा रहा था, अभी प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, RRB का ऑफिशियल सारे लाइन में आ गए हैं, सारे हाथ जोड़ करके बोल दिया है हाँ मेरी गलती है, अभी गलती माने हैं, इसका एक्सेप्टेंस भी किए हैं, इसके बाद इनका रिजल्ट भी आएगा। तो अहिंसा ही एक राष्ट्र, माने वो है, आप फार्मर को देख लीजिए, 1 साल से रास्ते में बैठे हुए थे, कोई वो नहीं, कोई रियायत नहीं, इस ठंडी में 1 साल से बैठना मजाक नहीं है। और पंजाब में जैसे ही इलेक्शन आया तब जाके बिल वापस आया। तो नरेंद्र मोदी जी का एक ही फंडा है कि अगर कुछ चाहिए तो अहिंसा करो, उनका पहले से ही ये फंडा है, कि वो भी ऐसे ही करते थे। उनके लाइफ का भी अगर पॉलिटिक्स देखा जाए तो वो भी जब कश्मीर में जा रहे थे तो कश्मीर में भी अहिंसावादी की तरह से ही जाकर वहां पे लाल चौक में झंडा फहराए थे, लेकिन उस बात में उनका हैट्स ऑफ था, क्योंकि जान हथेली पे लेके जो मेरा सिर है, जो हमारा माने ताज है, उस चीज पे जाके हमारा झंडा नहीं फैलेगा तो क्या पाकिस्तान का फैलेगा। हाँ वो चीज करने वाला एक ही बंदा था, और उनको सपोर्ट मिला भी था उस चीज का, उस चीज का हम मतलब हिंदू मुस्लिम छोड़ के लोग आगे देखना शुरू किए थे उनके साथ। लेकिन चीजों को इस तरह से खाली पॉलिटिक्स में घुमा है ना वो, मैंने एक नरेंद्र मोदी जी इस तरह से घूमे हैं जैसे इतना बड़ा यू टर्न कोई नहीं मारा है। मतलब हर साल जो बोले थे 2 लाख नौकरी, वो नौकरी तो छोड़िए, एक जो नौकरी निकल रही है उसका सिलेक्शन भी 2 साल बाद हो रहा है, उसमें भी गलतियां निकल रही है। चलिए ठीक है, मैं अभी इस टॉपिक में आ जाता हूँ। अब OTT प्लेटफॉर्म में निकलने के लिए ये CBFC से भी
क्लियर नहीं हुआ है। मतलब देखिए हमारे जैसे देश में सेंसेक्स है, वैसे सीबीएफसी बोल के उनका भी होता है ओटीटी का, उनको वो दिखाना पड़ता है। वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोई भी चीज नहीं होता है, मतलब सेंसेस बोल के कोई चीज नहीं होता कि यहाँ से काट दो वहां से काट दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे कोशिश किया गया है कि उस चीज को दिखाने का, माने उनको उनसे क्लियर लेने का एक बात चलता है, तो वो क्लियर भी ये नहीं ली है। तो मेरे को तो लगता नहीं है कि ये रुकेगी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म में सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट सबका मतलब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का बाप है, ऐसा है। नरेंद्र मोदी जी का भी एक लेटर फाड़ के फेंक दिए थे सुप्रीम कोर्ट, कुछ नहीं समझता है वो, ऐसी बात है वो उनका। मैंने चलिए वो केस मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज बस इतना ही बात करते हैं कि ये वाई आई किल्ड गांधी के ऊपर ये जो मूवी बनने वाली है इसके ऊपर केस है, केस किया है सिकंदर भैल ने, जो कि लीड कर रहे हैं अनुज भंडारी जी ने। अब उस केस को देखना बाकी है कि 30 तारीख को क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।